है गाइस, वेलकम बैक अगेन दिस इज अनी आई होप यू आर डूइंग ग्रेट सिस्टम के अंदर फ्यूचर्स में मैंने एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया था इन्वेस्टमेंट अराउंड था 1.3 लाख, रिटर्न्स जो मैंने बनाए वो 12,400 थाउजेंड एंड इन टर्म्स ऑफ आरओआई रिटर्न्स आई इज इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे ये ट्रेड के पीछे का लॉजिक क्या था ये ट्रेड टोटली बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन वॉल्यूम एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंडेंट था। तो हम डिटेल में देखेंगे चार्ट के ऊपर कहाँ पे मैंने एंट्री बनाया था क्या मेरा स्टॉप लॉस लेवल था एंड कितने होल्ड किया एंड एग्जिट किया सो वॉच सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो नोटिफिकेशन को ऑन कर लो एंड इन केस ऑफ एनी डाउट्स और एनी क्लियरिफिकेशन प्लीज कमेंट बिलो सो परसिस्टेंट का आर्ली चार्ट स्पॉट चार्ट

सपोर्ट के पास तो फिर मैं भी जूम करके तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ से यह नीचे 50 लिया एंड जब इसने रिट्रेस एटी परसेंट कर लिया एंड नेक्स्ट डे में वेट कर रहा था ये फिर से यहाँ पे ओपन होगा तो ये नीचे की जर्नी चालू करेगा बट ये ओपन ही हुआ ट्वेंटी ये ऊपर ओपन हुआ और यहाँ पे रिटेस्ट किया रिटेस के बाद ये फिर से ऊपर जब जा, जाने लगा तो इस टाइम पे मैंने इसका एंट्री बनाया था एंड आई वाज ये जो प्रीवियस हाइज स्विंग हाइज यहाँ तक ये फ्लो हो सकता है बट uh, यहाँ पे ये थोड़ा रुकने लगा एंड आई वाज डूइंग अ मोमेंट ऑफ ड्रिल सो मैंने यहाँ पे अराउंड uh, 3984 के अराउंड इसको एग्जिट कर दिया ये स्पॉट चार्ट के ऊपर देख रहे हो तो यहाँ पे देखो एक चीज है सपोर्ट के पास था दूसरी चीज है रिजेक्शन बहुत बड़ा मिला सपोर्ट के पास तीसरी चीज है नेक्स्ट डे का ओपनिंग है वो भी लोअर एंड पे नहीं हुआ बीच में हुआ एंड नीचे टेस्ट करके वो ऊपर आने लगा रिट्रेसमेंट से वो नीचे आने लगा एंड सबसे बड़ी चीज जो होती है और एक चीज वॉल्यूम का मैं आपको नेगेटिव देना चाहता हूँ वॉल्यूम देखोगे तो ये जो कैंडल है इसको बोलते हैं रिजेक्शन कैंडल विथ हाई वॉल्यूम एग्जोशन कैंडल

फिफ्टी परसेंट के ऊपर ये इसने रिवर्स कर दिया पूरा एंड उसके बाद इसने बहुत बड़ा ग्रीन कैंडल बनाया okay? फिर से टेस्ट करने की कोशिश की बट ये टेस्ट नहीं कर पाया अब नेक्स्ट डे ये नेक्स्ट डे का ओपनिंग नेक्स्ट डे का ओपनिंग ये फर्स्ट फर्स्ट कैंडल कैंडल है नीचे ट्राई किया लेकिन जाने पे ऊपर आया और यहाँ से फिर से जब ऊपर जाने लगा तो आई टू कैन एंट्री इन दिस ट्रेड एंड गो ऑन द मिनट कैंडल दिन शो द एग्जैक्ट एंट्री पॉइंट जो मैंने एंट्री किया था तो देखो यहाँ पे मेरा एंट्री हुआ था ये हो गया फर्स्ट कैंडल फिर सेकंड कैंडल जब ये फोर का लेवल पे था ये ऊपर जाने लगा, पे मैंने एंट्री किया था दिस माय स्टॉप लॉस लेवल एंड ये मेरा पहला टारगेट ये था एंड सेकंड टारगेट मेरा ये था लेकिन मेरा पहले टारगेट इतना फास्ट अचीव हो गया तो इसलिए मैंने ये अराउंड इसके आस ये पहले रिट्रेस किया और फिर से यहाँ पे क्रॉस किया मैंने इसके आसपास 86 के आसपास इसका बुकिंग कर दिया 86 पे दिस दिस इज़ द टोटल प्राइस एक्शन लॉजिक फॉर ट्रेंड आई थिंक आप लोगों को इसमें कुछ सीखने को मिला होगा कि कैसे प्राइस एक्शन फॉलो होता है एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन नॉर्मल प्राइस एक्शन के ऊपर हम अच्छे एग्जीक्यूट कर सकते हमें डेगिटेड डेल करने की जरूरत नहीं है ऑप्शन के फर्मों में पढ़ने की जरूरत नहीं है आई होप यू हैव लर्न समथिंग आउट ऑफ दिस थैंक यू सो मच